तो हेलो गाइस, आज हम लोग जानेंगे कि हम फोटो का बैकग्राउंड कैसे रिमूव कर सकते हैं और पासपोर्ट साइज की हार्ड कॉपी कैसे निकाल सकते हैं। 5 मिनट में आपको सिखा दूंगा मैं। तो देखिए, हमें इस वाले फ़ोटो को पासपोर्ट साइज में निकालने का है और यहाँ का इसका बैकग्राउंड रिमूव करने का है। तो फिर हमें आपके PC का अडोब फोटोशॉप खोलने का है। खोलने के बाद ये खुल जाएगा, फिर इसे माइनस करके ये वाला फ़ोटो खींच के अडोब फोटोशॉप में बीच में जाके छोड़ देगा। फिर यहाँ से हमें इस फोटो को सीधा करने के लिए इमेज पे क्लिक करना है और रोटेट पे जाके 90 डिग्री तक घुमा देना है। फिर 90 डिग्री तक घुमाने के बाद हमें 180 पे घुमा देना है, तो हमारा फ़ोटो एकदम क्लियर, एकदम राइट पोजीशन पे आ जाएगा। फिर इस फोटो को हमें बैकग्राउंड रिमूव करना है। इसके पहले हमें कितनी साइज का निकलना है ये करने के लिए आपको क्रॉप पे ये वाला आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक करने का है और यहाँ पे ले जाकर इसको ऐसे माउस को दबाकर ऐसे ले लेना है। फिर यहाँ इसके साइज का सेट कर देने का है अपने जिद से, जितना फ़ोटो निकलना है। फिर से हमें डबल क्लिक करके इसको एडिट पे दबा के माउस से हम यहाँ से जूम आउट जूम इन कर सकते हैं। और बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए पहले तो हमें ये वाला कलर चॉइस, आपको जो भी कलर चॉइस करना है वो चॉइस कर सकते हो आप। फिर आपको कट वाला ये ऑप्शन दिख रहा है, तो इस पर क्लिक करने का है। क्लिक करने के बाद इसे हम इस तरह से कट करेंगे, जैसे आप ध्यान से देखिएगा, इसे यहाँ से लेकर आपको बड़ी सावधानी से कट करना होगा। फिर ऐसे कट करके हमें इसको ऐसे लेकर कर डबल क्लिक कर देंगे और डिलीट वाला ऑप्शन दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड में जो कलर हमने सेलेक्ट किया है वो आ जाएगा। इसी तरह हम सब बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। आप देख पा रहे होंगे डिलीट, यहाँ से हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। तो चलो हम जल्दी से ये कट कर लेते हैं इस तरह। तो गाइस, हमारा फोटो यहाँ पे पूरी तरह से कट हो चुका है और जो जो ऐसे पहले पहले आपको गलती होगी पर बाद में आप अच्छे से सीख जाओगे। तो हमें फिर इसको हार्ड कॉपी में निकालने का है। हार्ड कॉपी में निकालने के लिए हमें कीबोर्ड के F5 को एक बार क्लिक करने का है। यहाँ से पहले हम F5 को क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली 8 लेयर बन जाएगी। तो आप देख सकते हो कि हमारे 8 बन चुके हैं। फिर यहाँ इसे हमें अपने डेस्कटॉप पे सेव करने के लिए फाइल पे जाके सेव एस पहले कर लिए, फिर डेस्कटॉप पे जाके इसे यहाँ से JPG में कन्वर्ट करके सेव कर सकते हैं। और हमारा ये फ़ोटो अभी यहाँ पे देख आप देख लीजिए कीबोर्ड पे डेस्कटॉप पे आ चुका है, देख लीजिए।